सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया चिकन 2 किलो और लेग पीसेस में मैंने यहाँ पे कट लगा लिया था। इसमें मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन 1 कप दही, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। मसालों में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैंने 1 पैकेट तंदूरी मसाला भी डाला था। फिर इसमें हमें डालना है 2 टेबल स्पून लेमन जूस। यहाँ पे मेरे पास लेमन जूस नहीं था इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर डाला है। इसे मिक्स करके मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया। फिर एक कढ़ाई में मैंने डाली है मैरिनेटेड चिकन और अब इस चिकन को मैं हाई मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से स्टीम दूंगी। इसका हमें पानी ड्राई करना है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसका शोरबा हमें थोड़ा सा रहने देना है। कोयले का धुआं देने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज की स्लाइस ली है, उस पर मैंने गरम किया हुआ कोयला रखा है। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून घी और लिड से कवर करके अच्छी तरीके से मैं दूंगी यहाँ पे कोयले का धुआं। एक पैन में मैंने डाले 2 टेबल स्पून ऑयल और अब हम स्टीम की हुई चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने इसमें स्लाइस की हुई प्याज और बड़ी हरी मिर्ची भी डाली थी। फिर इसमें मैंने डाला है चाट मसाला 1 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से स्टीम की हुई चिकन को फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमारी चिकन बोटियाँ बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही यमी होती हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।